वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही सिंपल बैंगन मूली टमाटर की तरी वाली सब्ज़ी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कट कर लेंगे सब्जियों को। तो बैंगन को हम इस तरीके से पतले पतले टुकड़ों में कट कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से बैंगन को काट लेना है। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 2 आलू। तो आलू को मैंने पहले से ही छील करके कट करके पानी में उसको डाल दिया है ताकि आलू काले ना पड़े, और बैंगन को भी कट करने के बाद अच्छे से वॉश कर लेंगे कि ये काले ना पड़े। उसके बाद एक कढ़ाई में डालेंगे हम सरसों का तेल। सरसों के तेल में ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार मेरे इस तरीके से ज़रूर से बना के ट्राई करिएगा। 2 तेज़पत्ता डाल देंगे, साथ ही डालेंगे राई। राई से सब्ज़ी में बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। हरी मिर्च डाल देंगे और जब इनका कलर चेंज हो जाएंगे तो यहीं पे मैंने 2 मूली को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके उसे यूज़ में लिया, उसे डाल देंगे और आलू को भी डाल देंगे। अब आलू और मूली को 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पे हमें बढ़िया से भूनना है। जब ये थोड़े से भून जाए तो इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर लेंगे, जिसमें कि है 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ ही इसमें ले लेंगे नमक स्वाद के अनुसार, और यहाँ पर लेंगे अदरक, लहसुन, जीरा और काली मिर्च का पेस्ट। अब मसाले को हम बढ़िया से धीमी आँच पर भून लेंगे। मसाले को जितना भूनेंगे धीमी आंच पे तो उतना ही सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ के आएगा। इसके बाद इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर को रफली चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। टमाटर से ना इस सब्ज़ी का स्वाद 2 गुना बढ़ जाएगा, तो ज़रूर से डालें। टमाटर जब थोड़े सॉफ्ट हो जाए तो उसके बाद इसमें डाल देंगे हम बैंगन को। तो इस तरीके से ये सब्ज़ी बनाइएगा ना, बहुत बढ़िया लगती है। इसके साथ दाल की भी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये इसमें तड़ी जाए बनेगी। तड़ी वाली सब्ज़ी के साथ चावल, रोटी, पूरी, पराठे, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, मज़े की लगेगी। थोड़ा सा ढक देंगे, ढक के हम इसे 3 से 4 बार इसे हम ढक के चलाएँगे, जबकि लगभग 6 से 7 मिनट तक इसे हमें भून लेना है। जब मसाले अच्छे से भुन जाए, इसमें से ऑयल सेपरेट होने लगे, तो यहीं पे इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। तो तरी के लिए आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग से तरी इसमें पानी डालिएगा। तरी के लिए ऊपर से थोड़ी सी इसमें डाल देंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ताकि इसकी में सब्ज़ी में बढ़िया सी कलर आए। उसके बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे क्रश करके। इससे सब्ज़ी में ना बहुत बढ़िया फ्लेवर भी आता है और सब्ज़ी एकदम खुशबूदार बनती है। ढक देंगे, 1 उबाल आने तक पका लेंगे। तो आलू को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया था, बैंगन तो जल्दी पक जाते हैं, चलिए आलू को भी चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में आलू काट कर सब्ज़ी बनाइएगा तो जल्दी सब्ज़ी बन जाती है। तो ये देख सकते हैं आलू एकदम से सॉफ्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये तरी वाली सब्ज़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और इसे शेयर